राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सूचना सहायक की परीक्षा आज होनी है। तमाम प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने सेंटरों पर पहुंच चुके हैं। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूं जयपुर के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अभ्यापारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में, जहाँ पर अभ्यर्थियों का एग्जाम जो है वो समाप्त हो चुका है। और अभ्यर्थी देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, अभ्यर्थी निकल रहे हैं बाहर और इनके हाथों में और चेहरों में मुस्कान कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ये अभ्यर्थी हैं, तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए, उनका समय हो गया है समाप्त, अभी हाल फिलहाल यहाँ पे निकले हैं। देखिए भजनलाल शर्मा की सरकार जैसे ही बनी है वैसे ही यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। पहले RPCC द्वारा किया गया था, हाल फिलहाल मैडम एक बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए कैमरे के सामने शायद घबरा रही हैं, एक मैडम और आ रही है। मैडम एक चीज आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम आपका? किरण। कैसा रहा पेपर? बहुत ही अच्छा था। क्या लगता है आपको? लेवल बहुत लो था, मतलब इतना अच्छा लेवल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। लगता है आपको क्वालिफाई हो जाएंगे आप? मे बी, अगर कट ऑफ अच्छी गई तो। देखिए चेहरों पे चमक है और जो हंसते हुए निकल रहे हैं चेहरे, तो साफ बयां कर रहे हैं कि इनकी जो एग्ज़ाम है वो फाइट की इन्होंने, यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो बिल्कुल एकदम लो है, इजी आया पेपर आया बताया, जिसके बाद अपने एक महिला अभ्यर्थी से बात करी। मैडम आपसे बात करना चाहेंगे एक बार, क्या नाम आपका? बीना भट्ट। बीना जी कैसा रहा पेपर आपका? आई होप सो इट विल बी क्लियर, बहुत ईजी था, लेकिन मे बी पॉसिबल क्या रहती है मार्किंग और किस तरीके से जाता है, क्या मेरिट लिस्ट रहता है, उस पर डिपेंड रहेगा अब आगे का। क्या लगता है आपको क्वालिफाई हो जाएंगे आप इसमें? उम्मीद तो है, लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए चेहरे पे जो हंसी है उनकी साफ साफ बयां कर रही है कि जो पेपर जो है वो कहीं ना कहीं साफ अच्छा गया है। तमाम जो अभ्यर्थी है यहाँ पे गांधीनगर स्कूल में महाविद्यालय में वो यहाँ पे पहुँचे हैं और एग्ज़ाम फाइट करके यहाँ पे निकल रहे हैं बाहर। सर आपसे नाम पूछना चाहूँगा आपसे। मेरा नाम शालू कंवर राठौड़ है, मेरा पेपर अच्छा गया है, पेपर इजी आया था। कैसे, किस लेवल के मार्क्स, सॉरी किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पेपर में आए हैं? मेरे हिसाब से तो मीडियम, मतलब बेस्ट था पेपर। लगता है आपको क्वालिफाई हो जाएंगे आप? सर वो तो पेपर से रिजल्ट आने पर। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिनसे जिनसे हमने बात की है वो तमाम अभ्यर्थी हैं वो साफ कहते, उनका कहना है कि अब हाल फिलहाल जो पेपर आया है, जो पेपर दे के आई हैं ये अभ्यर्थी, वो कहीं ना कहीं चेहरों पे मुस्कान बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैडम इधर आइए थोड़ा सा, कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा सर। किस लेवल के क्वेश्चन थे यहाँ? IT के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। कितने आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे? 100-120 क्वेश्चन के लमसम मिला के क्वालिफाई हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। किस प्रकार देखते हैं जश्न को, किस प्रकार देखते हैं, जो खुशी आपके अंदर है क्योंकि इजी पेपर आया है? और पेपर इजी था, इतना हार्ड नहीं था पेपर, बहुत अच्छा पेपर था सर। पेपर बहुत बिल्कुल बेसिक था, लेकिन IT GK और मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा पूछा गया है, अदर GK राजस्थान GK वगैरह नहीं पूछी गई है। और पेपर का लेवल बढ़िया था, ज़्यादा टफी नहीं था और ज़्यादा लो भी नहीं था। और सरकार कार्रवाई अगर ठीक ठाक रहा तो समय से रिजल्ट आ जाएगा। और काफ़ी अच्छा लगा आज पेपर दे के, सारे क्वेश्चन लगता है। आपको क्यों क्वालिफाई हो जाएंगे? बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएंगे, पहले वो तो एग्ज़ाम देते ही पता चल जाता है, और हमने आपकी बार थोड़ी मेहनत भी की है तो इसलिए थैंक यू। सरकार से उम्मीद है कि अब तय समय पर जब परीक्षा हो चुकी है तो तय समय पर इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया जाए, जिससे कि इनको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए। एक अभ्यर्थी और जुड़ चुके हैं, कौन सी परीक्षा देने आए थे आप? आइए सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। कैसा रहा पेपर आपका? एक नंबर। किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन थे? ज़्यादा मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के थोड़े कम थे क्वेश्चन, बाकी मैथ रीजनिंग के ज़्यादा थे। पूर्ववर्ती सरकार में भी पेपर हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, इस प्रकार में उस प्रकार में कितना डिफरेंट दिखता है? बहुत डिफरेंट, पहले तो हर भर्ती के पेपर आउट हो जाते थे, पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है, लगा ही नहीं यहाँ बाहर देख के भी। और जैसे सूचना आई जाती थी पेपर होते ही, यहाँ आउट हो गया वहाँ आउट हो गया, पर यहाँ ऐसा नहीं लगा। और प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है। उम्मीद है आपको कि क्वालिफाई कर पाएंगे इसको? गारंटेड 101%। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि पेपर हो चुका है आपका, आपने गारंटी दे दी है खुद को कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपका कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, तो अब लगता है कि रिजल्ट की इंतज़ार आपको रहेगा, क्या उम्मीद करते हैं? रिजल्ट में ये हो कि जो अंदर से जो धांधली का सिस्टम होता है वो अंदर से नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ तो सही हो गया सारा सिस्टम। कुल मिला के ये माना जाए कि आप क्वालिफाई हैं इस चीज़ के लिए? कन्फर्म 101%। ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने आप को 100% क्वालिफाई यहाँ पर मान लिया है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे निकल रहे हैं बाहर, सूचना सहायक की यहाँ पे परीक्षा आयोजित की गई है गांधीनगर के इस स्कूल में।
मैडम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का पेपर रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ पे रहे हैं और क्या लगता है कि आप क्वालिफाई जाएंगे? क्वेश्चंस इजी थे और मतलब हाँ अप टू द मार्क, मतलब लेवल सही था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, हो जाऊंगी मैं क्लियर। एक सवाल आपसे ये भी था कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस में पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई, इस बार ऐसा कोई अभी तक नहीं हुआ और पेपरों की क्वेश्चंस की बात करें तो उस लेवल को और इस लेवल को किस प्रकार देखती हैं आप? अलग अलग टाइप ऐसा कुछ नहीं है, लेवल वगैरह सब सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो शुरुआत हुई है तो मतलब कांग्रेस आगे पता चलेगा कि लीक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक सवाल आपसे अंतिम सवाल ये कर लेता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम ही है। एक अंतिम सवाल आपसे कि पेपर हो चुका है, आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, लेकिन अब बात रिजल्ट की कहीं ना कहीं आती है, लगातार धरने प्रदर्शन भी किए जाते हैं, क्या लगता है कि इस बार ये जो सूचना सारी एग्जाम हुई है उसमें रिजल्ट समय पे आ जाएगा? हाँ, जैसे लिखा हुआ आ रहा है तो आ जाना चाहिए। वैसे ये इसके बाद इसका टाइपिंग टेस्ट भी होता है तो अभी उसमें टाइम लगेगा तो आ जाएगा, सब टाइम से आ जाएगा। जो हंसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेहरे पे बरकरार है और क्वालिफाई होने की जो खुशी है अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने झलकती नज़र आ रही है। देखिए अभ्यर्थी है यहाँ पे सुबह जल्दी पहुँचे थे, 10 बजे से शुरुआत इस पेपर की हुई थी और यहाँ पे अपने सामान जो था, एक्स्ट्रा सामान जो लाए थे घर से, जिसमें ओढ़ने का या सर्दी से बचाव के जो संसाधन थे उनको यहाँ जमा कराया गया था, मोबाइल जमा कराए गए थे, वो अपना यहाँ पे लिया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और एग्ज़ाम फाइट करके यहाँ से निकल रहे हैं लगातार जो है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जहाँ पेपर लीक जैसी घटनाएं आए दिन हो रही थी, जीट पेपर की बात कर लें अन्य कोई पेपरों की, भर्ती परीक्षाओं की, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद की है, ये राजस्थान जो प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनसे उम्मीद है कि उनकी उम्मीद सरकार से, बदनाल सरकार से है कि कहीं ना कहीं वो इस पेपर लीक जैसी घटनाओं को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। पहले भी यहाँ पे बोल चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई चूक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जो शासन और प्रशासन के अधिकारी थे उनको भी उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि हल्की सी चूक भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि रिजल्ट जो है उसका इंतज़ार परीक्षार्थियों को रहेगा, अभ्यर्थियों को रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इंतज़ार है वो कहाँ तक बढ़ने वाला है इनका। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। किस लेवल के क्वेश्चन थे? नॉर्मली थे, ज़्यादा वो भी नहीं थे, लेकिन घुमा फिरा के थे और मैथ्स में वो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी मैथ में। तो क्या लगता है आप कहाँ तक क्वालिफाई हो पाएंगे इसको? ये तो नहीं पता। नहीं हो पाएंगे आप? मैं शायद मे भी हो सकता है, मे भी, आधा आधा कन्फ्यूजन है आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका रिजल्ट की अब सबसे बड़ी उम्मीद आपको है, इंतजार रहेगा रिजल्ट का, तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि समय पे और सही तरीके से रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। क्या नाम क्या है? सर राहुल शर्मा। राहुल कहाँ से पहुँचे? सर मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और पेपर तो वैसे लेवल ठीक था लेकिन राजस्थान जीके से एक क्वेश्चन नहीं आया, जबकि पिछली बार 17 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के। अब की बार मैथ बहुत जल्द डाल दी, मैथ का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। पिछली बार भी जो पेपर हुआ था उसमें 17 क्वेश्चन जीके के थे और 17-18 रीजनिंग के थे। रीजनिंग का लेवल तो ठीक था लेकिन सर राजस्थान जीके का एक क्वेश्चन नहीं आया, हमने राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ा। तो अधीनस्थ को है ना जो क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए कि इस पैनल से इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे। अब मैथ ही मैथ बहुत जल्द डाल दी, राजस्थान जीके से एक क्वेश्चन नहीं आया, ओल्ड जीके से एक क्वेश्चन नहीं आया, इंडिया जीके राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं आई, केवल रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग मैथ मैथ भी लॉजिकल, ऐसे नहीं कि भाई मैथमेटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप की मैथ और उसमें बाकी कंप्यूटर ज़्यादा दिया है, लेकिन जीके बिल्कुल। रिजल्ट का इंतजार कहीं के रहने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? हम जानना चाहते हैं कि सरकार के पहले की बजाय क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि इस पैनल से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से, ये तो उठा के कुछ भी डाल देते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा आई है, मैन टाइम को देखते हुए कैलकुलेशन जिसकी फर्स्ट थी वो पेपर के लिए कर जाएगा। मतलब कंप्यूटर में 70% जो दिखा रखा था कंप्यूटर साइंस वो ऐसा कुछ भी नहीं आया, कंप्यूटर भी बिल्कुल लॉजिक आया, बिल्कुल सिंपल लॉजिक आया है। और जिसका मैथ में रीजनिंग में अच्छा कैलकुलेशन है वो पेपर निकाल जाएगा अच्छे से, उसी के बेस्ड है पूरा। समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको अंदर पेपर देते समय? समस्याओं की बात कर लें, समस्याओं तो मैंने तो पहले भी एसएससी का तैयारी की है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन अच्छी थी मेरी, तो उससे टाइम मैनेजमेंट हो गया, जिसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ उसके क्वेश्चन भी छूटे हुए हैं काफ़ी।
सरकारी बोल रही थी कि बायोमेट्रिक कराया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बायोमेट्रिक कुछ नहीं हुआ, तो डमी अभ्यर्थी कैसे पकड़े जाएंगे? एक घंटे जांच में इतनी खास व्यवस्था नहीं थी, बस एक बार देखे कुछ आया नहीं, ऐसा सीधा बैठा दिया। बोला गया कि आपकी फोटो एक महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, हमने ₹50 देके फोटो खिंचाई, ना तो वो सॉफ्टवेयर से जाँच हुई, ना कुछ बायोमेट्रिक हुई, कुछ नहीं हुआ। मतलब थोते वो हाथी की दांत दिखाने के और खाने वाले और ऐसी कहावत लागू हुई, एक भी फोटो चेक नहीं की, केवल नॉर्मल चेकिंग हुई हमारी, तो वो फोटो का कोई महत्व नहीं निकला। और पिछली बार के भी पेपर में भी 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो इनका आंसर सेम था, 4-5 ऐसे थे जो आउट ऑफ वो थे, पर अब की बार तो राजस्थान जीके से एक क्वेश्चन नहीं दिया। राजस्थान के इसमें बाहर के विद्यार्थी भी फायदा उठा सकते हैं, अगर राजस्थान वालों को फायदा उठाना होता तो उसमें राजस्थान जी के देनी चाहिए थी सरकार को, लेकिन इसने राजस्थान जी की दी, एक क्वेश्चन नहीं दिया, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया, एक क्वेश्चन नहीं है राजस्थान जी के। तो इसमें तो बाहर वाले जो जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है वो निकाल सकते हैं, नहीं तो राजस्थान वालों को नुकसान ही है इसमें। तो देखिए यहाँ पे महिला अभ्यर्थी निकल रही हैं बाहर, उनसे बात कर लेते हैं अपन एक बार। मैडम आप एग्जाम देके आए हैं, किस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन रहे हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या आपको विशेष उम्मीद थी जो यहाँ पे नहीं दिखी आपको? सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, उन्होंने टाइम वेस्टिंग के लिए मतलब बच्चे की स्पीड क्या है कैलकुलेशन, बाकी पेपर सिंपल था, बस वही थी कैलकुलेशन जो स्पीड है ना बच्चे की है तो निकल जाएगा। कितना कॉन्फिडेंट है इस एग्जाम को? सर वो तो आंसर शीट मिलाने के बाद होगा, बस कैलकुलेशन, बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत आते थे, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग आते थे मुझे, बस वही है। जीके का वेटेज थोड़ा कम था, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा था, वो उन्होंने ये सोचा भी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर दे बच्चों का। बस जीके का वेटेज कम था, बाकी कैलकुलेशन तो सब ठीक था। अच्छा। ये आरोप है यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ने बताए हैं कि जीके और जीके कुछ बिल्कुल नहीं है, राजस्थान जीके की बात कर ले, बात इंडिया लेवल की जीके में केवल और केवल मैथमेटिक्स आया है, करंट्स का था, करंट अफेयर्स था, बाकी और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का था। अब लास्ट उम्मीद आपकी रिजल्ट पे टिकी है, सबकी निगाहें टिकी है, क्या लगता है कि सही तरीके से चलता रहा तो आपका रिजल्ट समय पे जारी हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा, ये महिला अभ्यर्थी थी जिन्होंने साफ कर दिया कि हमारा जीके का क्वेश्चन थोड़े थे उसमें दो ही आए थे, वो भी करंट अफेयर के आए थे, हाल फिलहाल जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो उन्होंने ज़्यादा पजल किया है युवा अभ्यर्थियों को। अब बारी इनकी जो निगाहें हैं अभ्यर्थियों की वो कहीं ना कहीं रिजल्ट पर टिकने वाली हैं, रिजल्ट पर निगाहें टिक चुकी हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर सब कुछ सही चलता रहा बदलाल सरकार में तो कहाँ तक ये रिजल्ट जारी हो पाता है, क्या कोई समस्या नहीं आई तो कब तक जारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया, जयपुर।